नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों हम लोगों ने अवकलन का अनुप्रयोग में कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज कुछ और प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि दर ज्ञात करना है, ठीक है, कि क्षेत्रफल या आयतन या अन्य कोई भी चीज का दर बढ़ने अथवा घटने का दर किसी एक निश्चित राशि पर ज्ञात करना होता है, उसी से संबंधित चर्चा किया जा रहा है। आइए तो सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे। 1.7 मीटर ऊंचाई का एक व्यक्ति 5 मीटर ऊंचे लैंप पोस्ट से दूर 6.6 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, उसकी छाया की लंबाई में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न लिखिए सभी लोग। 1.7 मीटर ऊंचाई का एक व्यक्ति 5 मीटर ऊंचे लैंप पोस्ट से छह दशमलव छह मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। उसकी छाया की लंबाई में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। अब जरा समझिए क्या कहा जा रहा है। कहा ये जा रहा है कि ये लैंप है, ये जो है लैंप है, ठीक है, जो 5 मीटर ऊंचाई का है और इससे 6.6 मीटर प्रति मिनट की चाल से दूर जा रहा है कोई व्यक्ति, जैसे इधर की तरफ जा रहा है इधर, और इसकी ऊंचाई है 1.7 मीटर। कितना है? 1.7 मीटर। तो अब जरा समझिए कि इस व्यक्ति की जो छाया होगी, इसकी जो छाया होगी वो तो छाया ये है, ठीक है, इसको हम मान लें एक्स और इसको मान लें वाई, क्लियर। तो पूछा गया है कि जो ये छाया है यही dx by dt ज्ञात करना है, परंतु ये 5 मीटर और ये 1.7 मीटर दिया गया है। अब हमें dx by dt ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिलेशन बनाते हैं इसमें, तो ये मान लेते हैं कि यह PQ है और ये AB व्यक्ति की ऊंचाई है, ठीक है, ये तो कोण है थीटा, तो दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे PQ और मान लेते हैं ABO, ठीक है, ये दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज PQO व समरूप त्रिभुज ABO में। ये पूछा आपसे जा रहा है dx by dt, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये छाया है, व्यक्ति ये है और जो स्तंभ है प्रकाश स्तंभ वो यहाँ है, यहाँ से इसकी छाया प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो छाया यही दिखाई देगा, और यह जो है इधर की तरफ जाता है तो इसकी छाया की दूरी बताना है कि छाया किस रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि इसकी चाल दिया गया है वाई की।
चलिए, यानी डी वाई बाई डी टी दिया गया है, ये जो है डी वाई बाई डी टी दिया गया है कि 6.6 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। डी वाई बाई डी टी आपका पता है और हमें ज्ञात करना है डी एक्स बाई डी टी। चलिए तो अब यहाँ पर आते हैं, त्रिभुज में समरूप त्रिभुज में पी क्यू ओ और त्रिभुज ए बी ओ में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी पी क्यू अपान ए बी बराबर लिखेंगे ओ क्यू अपान ओ बी, ठीक है। अब चलिए, पी क्यू का मान है 5, ए बी का माप है 1.7, ओ क्यू का मान है x प्लस वाई और ओ बी का मान है x, इसका गुणा हो जाए इधर तो ये 5x हो जाएगा, यहाँ आएगा तो 5x, क्लियर। तो यहाँ तो 5x हो गया और 5x इधर गुणा हो जाए तो 1.7x प्लस 1.7y, इसको इधर लेके चले आए तो 5x माइनस 1.7x बराबर 1.7y, इसमें से घटा दे 10 में 7 जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा 3, 3.3x बराबर 1.7y, ये आ गया। अब x बराबर अगर निकालेंगे तो 1.7 अपान 3.3y। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx by dt बराबर 1.7 अपान 3.3 इंटू dy by dt। अब ये 1.7 अपान 3.3 और dy by dt ये दिया गया है 6.6। अब ये कट जाएगा, दो से गुणा कर दे, 2 × 7 = 14 और 2 × 1 = 2 = 3, 3.4। अब आ गया dx by dt, तो 3.4 मीटर प्रति मिनट। सॉल्व कर लीजिए, इसे चित्र बनाकर सॉल्व करिए। हो गया, चलिए हटा दिया जाए। अगला प्रश्न, लिखिए, आधार की त्रिज्या के सापेक्ष शंकु के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, आधार के त्रिज्या के सापेक्ष शंकु के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए शंकु के लिए, तो शंकु बनाते हैं यहाँ पर, ये शंकु, शंकु की आधार की त्रिज्या ये r है और ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है,
ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है 2πrl, ये और ये एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आयतन होता है 1/3πr²h, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे माना शंकु के आधार की त्रिज्या आर व ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है, इसलिए इसमें आयतन की दर पूछा गया है dv/dr पूछा गया है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ इसलिए शंकु का आयतन v बराबर 1/3πr²h। अब r के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन करने पर r के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन करने पर तो dv/dr बराबर 1/3πh और इसका हो जाएगा 2r, ठीक है। तो 2/3πrh ये हो गया dv/dr, और यही पूछा गया है, यही आयतन परिवर्तन की दर है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर। अच्छा, अगर यही कह देता है, सपोज दें कि r बराबर 10 सेंटीमीटर, h बराबर 20 सेंटीमीटर पर निकालिए, तो इसका मतलब यदि कहता तब dv/dr और इसमें r बराबर 10 और h बराबर 20 रख देते तो 2/3 यहाँ पाई r के जगह पर 10, h के जगह पर 20 रख कर निकाल लेते, परंतु ऐसा कहा नहीं है, लेकिन कहेगा तब हम करेंगे, ठीक है। तो निकाल लीजिए चित्र बनाकर। हो गया, चलिए अगला नंबर लिखिए। एक बेलनाकार टंकी में एक बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से अनाज भरा जा रहा है लॉकडाउन की स्थिति में अनाज भर के रखा जा रहा है आने वाले दिनों में काम करने के लिए, लेकिन इस दर से भरा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो भरा जा रहा है टंकी में अनाज की ऊंचाई की वृद्धि की दर, ज्ञात कीजिए
जबकि टंकी के आधार की त्रिज्या पांच मीटर है। अब देखिए, पूछा जा रहा है कि अनाज की ऊंचाई की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। अनाज की ऊंचाई यानी dh/dt आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? क्या पूछा जा रहा है? dh/dt, ठीक है। और दिया क्या है? तो टंकी में अनाज भरा जा रहा है मीटर क्यूब, यानी ये दिया है dv/dt दिया है, कितना? तो 314 मीटर क्यूब प्रति मिनट प्रति घंटा, ठीक है। ये बेलनाकार टंकी है, ये बेलनाकार टंकी है जिसकी ऊंचाई h है, त्रिज्या है r, ठीक है। तो r बराबर 5 दिया गया है। अब हमें पता है कि v बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ t के सापेक्ष, अवकलन किया जाए तो dv/dt बराबर πr²dh/dt होगा, ठीक है। तो dv/dt दिया है 314 πr², r² का मान है कितना? 5। और dh/dt, तो dh/dt, तो हमें पता है dh/dt ज्ञात करना है, तो dh/dt ज्ञात करना है, तो ये r² 5 का स्क्वायर और dh/dt ज्ञात करना है, तो ये 25 पाई, तो dh/dt बराबर 314/25π। अब देखिए 314/25 और 3.14, 100 से ऊपर गुणा कर दें, 100 से नीचे गुणा कर दें, तो ये 314 से 314 कट जाएगा और ये 25 चौके 100 लगभग 4 आएगा। क्या आएगा? 4, यानी 4 मीटर प्रति घंटा, अर्थात dh/dt, यानी जो ऊंचाई में जो वृद्धि हो रहा है, जो ये इसमें ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है, यह जो है 4 मीटर यानी 4 मीटर प्रति घंटा की दर से इसमें वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। हो गया, हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। जो भी है 10 नंबर,
खनन में एक पाइप से बारह सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बालू जमीन पर गिरकर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठवां भाग रहती है तब बालू से बने शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर है। चलिए, प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जो हम बालू रखते जा रहे हैं, तो बालू जब हम रख रहे हैं तो कुछ इस तरह का ढेर लगता चला जा रहा है। ऐसे आप बालू रखते होंगे तो ऐसे ढेर लगता चला जा रहा है शंकु की तरह। लेकिन इसमें एक फिक्स है, क्या कि जो ये शंकु बने इसकी आधार की त्रिज्या r और जो ये ऊंचाई है इसमें ऊंचाई h जो है प्रश्न के अनुसार छठवां भाग रहता है त्रिज्या का, तो r/6 जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठवां भाग रहती है, तो r/6 ठीक है। और साथ ही साथ प्रश्न में दिया है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बालू जमीन पर गिर रहा है, इसका जो टोटल आयतन है तो dv/dt ये दिया है 12, ठीक है। और तब आपको ज्ञात करना है ऊंचाई की दर dh/dt, आपको ज्ञात करना है ऊंचाई की दर जब h बराबर कितना हो, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर h बराबर r/6 है। h क्या है? r/6। तो जब h r/6 है तो r के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 6h लिखेंगे, या तो 6h लिखा जाएगा r के स्थान पे। अब v बराबर 1/3 πr²h हम जानते हैं, तो 1/3 π, अब देखिए ना r का मान h के पदों में दे दिया है, तो 6h² × h, तो 1/3 π ये हो जाएगा 36 × h² × h,
तो 1/3 ये 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 12 पाई एच क्यू, ये हो गया भी। अब टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv/dt बराबर ये हो जाएगा 12 पाई और ये डी एच क्यू का पहले डी एच के सापेक्ष और फिर डी एच का डी टी के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 12 पाई और 3h² × dh/dt। अब यहाँ से dh/dt और ये dv/dt का मान तो दिया गया है, dv/dt कितना है 12, तो यहाँ 12 रख दी, तो dh/dt बराबर हो जाएगा 12/12π × 3h² हो गया। तो अब ये 12 से 12 कट गया तो 1/3π² × h², ये तो dh/dt है, तो dh/dt तब जब h बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 1/3π और h के जगह पर 6 रख देते हैं, तो 6² ये हो जाएगा 1/3 × 36 × π, तो ये हो जाएगा कितना 1/3 × 6 = 18, 3 × 3 = 108π, ये dh/dt यानी इतना सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ेगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करिए। हो गया, चलिए अब अगला नंबर लिखिए। पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाला एक उल्टा लंबवृत्ति शंकु है, जिसका शीर्ष नीचे की ओर है, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण शंकु का
अर्ध शीर्ष कोण टैन इनवर्स 1/2 है। इसमें 5 घन मीटर प्रति मिनट की दर से 5 घन मीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। पानी के स्तर के बढ़ने की दर उस समय ज्ञात कीजिए जबकि टंकी में पानी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए आइए देखा जाए कि यह कह रहा है इस तरह है, ऐसे ऐसे, और जो है इसका अर्ध शीर्ष कोण शंकु का ये होता है, ये अर्ध शीर्ष कोण ये अल्फा है। ठीक है, और ये त्रिज्या आर है और ये क्या है, ऊंचाई एच है। अब देखिए प्रश्न में दिया है कि अर्ध शीर्ष कोण अल्फा बराबर टैन इनवर्स 1/2, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, और दिया है कि इतने यानी dv/dt दिया गया है 5 मीटर प्रति मिनट, और आपसे पूछा गया है कि ऊंचाई की दर, पानी जो इसमें भरा जा रहा है, इसमें पानी भर रहे हैं, तो पानी जब भर रहे हैं गिर रहा है, तो ये ऊंचाई किस वृद्धि से किस दर से बढ़ रहा है, तो dh/dt आपसे पूछा जा रहा है। हम सबसे पहले यही देखते हैं कि पूछ क्या रहा है, दिया क्या क्या चीज़ है। ठीक है, इसका मतलब Vt और H केवल H के पदों में ही होना चाहिए। अब ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई H और ये R, तो tan अल्फा ले लें तो लंब बटा आधार हो जाएगा, तो यहाँ से tan अल्फा बराबर तो 1/2 होगा, लेकिन चित्र से ठीक है tan अल्फा बराबर हो जाएगा क्या कि R/H, ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो लंब बटा आधार और यही बराबर 1/2 दिया गया है, तो R बराबर हो जाएगा H/2। ठीक है, अब R का मान H के पदों में, और हमें पता है कि V बराबर होता है 1/3 πr²H, इसलिए 1/3 πr आर के जगह पर ये रख दें तो H/2² × H, इसका मतलब 1/3 πr, ये H²/4 × H, ये हो जाएगा π/12, और ये हो जाएगा H³, ये भी। अब यहाँ पर हम निकालें, अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv/dt बराबर π/12 × ये हो जाएगा dhq/dh, और फिर dh का dt के सापेक्ष, तो π/12 × 3h², और ये dh/dt होगा। dv/dt तो पता है कि 5 है, अतः dh/dt बराबर 5, ये 3 × 4 = 12, तो ये 4×4 = 20, तो 5×4/πh². ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि dh/dt तब ज्ञात करना है जब ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी h बराबर
10, तो ये तो 20 हो गया, ऊपर 5 में 4 का गुणा करेंगे पाई हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया, तो इस 10 का स्क्वायर 100, यानी इसको हम लिख दें 20 बटा 100 पाई, 20 पाँचे 100, यानी 1/5 पाई, ठीक है, मीटर प्रति मिनट। तो dH/dt आ गया, यही ज्ञात करना था। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए हटा दिया जाए। आइए अगला नंबर लिखिए, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, अगला नंबर जो भी हो, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है, एक समान दर से बढ़ता है, समान दर से, इसका मतलब जान रहे हैं, समान दर का अर्थ ये कांस्टेंट, नियत दर से बढ़ रहा है, वो घट बढ़ नहीं रहा है, तो वो कांस्टेंट रखा जाएगा, दर से बढ़ता है। तो सिद्ध कीजिए, कि उसके परिमाप, की वृद्धि, परिमाप की वृद्धि की दर, उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती हो, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। चलिए अब आइए, हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या आर है, मान लिया जाए कि यह जो है वृत्त है जिसकी त्रिज्या है आर, तो इसका जो क्षेत्रफल ए होगा ये तो पाई आर स्क्वायर होगा, और प्रश्न में जो दिया है वो दिया है कि dA/dt कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब c लिख देते हैं, ये एक कांस्टेंट है, ये घट बढ़ नहीं रहा है, फिक्स है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि उसका परिमाप, अच्छा इसका जो परिमाप होता है, परिमाप अगर p है तो ये होगा 2πr, परिमाप 2πr, ठीक है। पर सिद्ध करना है आपको, क्या क्या सिद्ध करना है,
कि डीपी बाई डीटी बराबर प्रोपोर्शनल 1/r, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब हमें ये पता है कि डीए बाई डीटी बराबर सी, चूंकि ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसलिए डीए बाई डीटी, तो डीए बाई डीटी बराबर पाई टू आर और डी आर बाई डीटी हो जाएगा। और ये डीए बाई डीटी क्या दिया गया है, सी, इसका मतलब ये है कि टू पाई आर और डी आर बाई डीटी बराबर सी कांस्टेंट, तो डी आर बाई डीटी बराबर सी अपन टू पाई आर, ये समीकरण हम कर दें दो या तीन जो भी लिखे। अब हमें पता है कि पी बराबर टू पाई आर, तो डी पी बाई डी टी अगर निकालें तो ये टू पाई और डी आर बाई डी टी होगा। अब डी आर बाई डी टी का मान यहाँ से रख दें, समीकरण दो से डी आर बाई डी टी का मान रखने पर का मान ये तीन में रख देते हैं, समीकरण तीन में रखने पर तो ये डी पी बाई डी टी बराबर टू पाई और डी आर बाई डी टी का मान यहाँ से रखें तो सी अपान टू पाई आर। अब देखिए टू पाई कैंसिल, तो डी पी बाई डी टी बराबर सी अपान आर आया, सी का मतलब कांस्टेंट हो गया, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि डी पी बाई डी टी प्रोपोर्शनल 1/r। प्रूफ, जल्दी से प्रूफ करिए। आप तो जानते हैं ना कि जैसे आप लोग लिखते हो कि फोर्स है बल प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक है, या आप लिखते हो M1 इंटू M2 अपान आर स्क्वायर, तो F बराबर यहाँ K आ जाता है M1 M2 अपान आर स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट होता है। जो G लिखते हैं तो कैपिटल G होता है, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, या अगर कूलम्स लॉ होता तो भी, तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट हटाया जाता है तो प्रोपोर्शनल, और कांस्टेंट जब यहाँ बराबर लगाते हैं तो ये कांस्टेंट लगा देते हैं, तो ये कांस्टेंट सी है, जब ये कांस्टेंट सी हटेगा तो प्रोपोर्शनल लग जाएगा 1/r, सीधी सी बात है, यानी त्रिज्या के बीजगणुपाती है, हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए, किसी घन का आयतन एक अचर दर से बढ़ रहा है, जो भी है अगला प्रश्न लिखिए, किसी घन का आयतन अचर दर से बढ़ रहा है, सिद्ध कीजिए कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि की दर उसकी भुजा के व्युत्क्रमानुपाती होगी व्युत्क्रमानुपाती। चलिए, इसका मतलब ये है कि दिया गया है कि dv/dt = c, और सिद्ध करना है कि ds/dt = 1/a, जहाँ a जो है ये घन है, ठीक है, तो घन के प्रत्येक भुजा की माप स्मॉल a। तो हमें पता है कि घन का जो आयतन है वो a क्यूब है, और तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s = 6a². तो अब यदि v = a³ तो dv/dt निकालेंगे तो ये आ जाएगा कि dA³/dA और फिर dA/dt। तो ये dv/dt तो c दिया गया है c, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3a² और dA/dt, ठीक है। तो dA/dt बराबर हो जाएगा c/3a² समीकरण एक कर देते हैं, तथा s = 6a², तो ds/dt अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 2a और dA/dt, तो ये हो जाएगा 12a dA/dt। समीकरण एक से dA/dt का मान रखने को तो रखा जाए तो ds/dt = 12a × dA/dt का मानिए c/3a², तो 3×4=12, a से कट जाए तो नीचे a, यानी 4c/a, ये है ds/dt। तो 4c तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसका मतलब है कि ds/dt = 1/a, क्योंकि 4c एक नियतांक है, स्थिरांक है या नियतांक है या कांस्टेंट है, अचर है, जो भी लिख दीजिए। प्रूफ सॉल्व करिए जल्दी से। हो गया, चलिए अगला नंबर है।
आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जबकि आर यानी त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी आर बदल रहा है, आर परिवर्तनशील है। ठीक है, ये बेलन है, बेलन में ऊंचाई कांस्टेंट है, यही ऊंचाई अचर है। इसका मतलब है आर परिवर्तनशील है तो ऊंचाई कांस्टेंट है। अब हमें पता है कि बेलन का आयतन भी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ होता है 2πRh और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या आर माना जाए, ऊंचाई एच, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ एस हो तो एस बराबर 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर। अतः ds बाई r परिवर्तनशील है। ठीक है, तो r के रिस्पेक्ट में ही हमें ज्ञात करना है। अब r के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन करने पर, क्योंकि r परिवर्तनशील है इसीलिए r के सापेक्ष करेंगे, तो ds बाई dr बराबर, अब ये 2πRh बाई dr प्लस d, तो 2πR स्क्वायर बाई dr। अब यहाँ से तो r हट जाएगा, तो 2πh r ये 2πh dr बाई dr लिखेंगे, और प्लस यहाँ पर 2πi ये r स्क्वायर का dr लिखेंगे, तो ये तो हो जाएगा 2πh प्लस 2πi इंटू ये 2r हो जाएगा, तो ये 2πh और ये हो जाएगा 4πr, तो ये हो गया ds बाई dr। यही पूछा गया था, यही है आंसर, लिख लीजिए। हो गया, चलिए अगला नंबर लिखिए।
तीन सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार डिस्क को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार डिस्क को गर्म करने पर उसकी त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ता है, जबकि r बराबर त्रिज्या बराबर 3.2 सेंटीमीटर है। चलिए, यानी इसका मतलब ये है कि ये डिस्क है और जब इसको गर्म करते हैं तो ये बढ़ रहा है। गर्म करने पर ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो दिया गया है कि इसकी त्रिज्या अगर r है तो dr/dt दिया गया है 0.05। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल a बराबर हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर, इसलिए dA/dt अगर निकालें तो हम ये निकालेंगे पाई dr/dt तो पाई इंटू ये हो जाएगा 2r/dr/dt, 2πr/dr/dt का मान 0.05। ठीक है, 5 × 10 तो 0.1πr, ये है dA/dt। अब dA/dt तब जब r बराबर 3.2 है तो 0.1×π×3.2 तो ये हो जाएगा 0.32π cm² प्रति सेकेंड। तो लगा लीजिए, जल्दी से लगाइए। हो गया, हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। देखिए, एक कण वक्र y बराबर 2/3 x³+1 के अनुगत गति कर रहा है, के अनुगत गति कर रहा है। गति कर रहा है
वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, को ज्ञात कीजिए जिन पर भुज की तुलना में कोटि दो गुना तीव्रता से बदल रहा है, कोटि दो गुना तीव्रता से बदलता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले तो ये वक्र दे दिया है कि y बराबर 2/3 x³+1, साथ ही साथ ये दिया गया कि भुज की तुलना में कोटि दो गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका मतलब dy/dt जो है वो dx/dt के दोगुने रफ्तार से बदल रहा है। ठीक है, तो एक तो ये दिया है प्रश्न में और ये दिया है, हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्या करें, जो दिया गया है ये वक्र, इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर, बिंदु के निर्देशांक पूछा जा रहा है, तो ये dy/dt होगा बराबर 2/3, इसका तो x³ का पहले x के सापेक्ष और फिर x का t के सापेक्ष और प्लस 1 का तो 0, ये 2/3 और ये हो जाएगा 3x² और ये dx/dt और ये dy/dt है। अब प्रश्न से dy/dt बराबर 2dx/dt रखने पर यहाँ 2dx/dt बराबर 2/3 3x², तो 3 से 3 कट जाए, ठीक है, और dx/dt इसको इधर लेके जाएं तो dx/dt बराबर ये 2 - 2x² हो जाएगा बराबर 0, इसलिए 2 - 2x² बराबर 0, अतः x² बराबर 1, तो x = +-1। ठीक है, x के दो मान आ गए, एक प्लस है एक माइनस आ गया। अब x = 1 वक्र y = 2/3 x³+1 में रखने पर, तो रख देते हैं तो y का मान 2/3 × 1³+1 2/3+1 यानी 5/3, तो बिंदु हो जाएगा क्या 1, 5/3। ठीक है, पुनः x = -1 रखने पर तो y = 2/3 - 1³+1 तो -2/3+1 यानी -2 + 3/3 अर्थात 1/3, अतः बिंदु हो जाएगा -1, 1/3, तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, यही दोनों आंसर है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से।
हो गया। तो उम्मीद है कि आज जितना भी हमने बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप अपने बुकों से न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, ठीक है। हमने पीडीएफ भेज दिया है और आज भेज देंगे पीडीएफ, उसके प्रश्नों को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल हम एक एक प्रश्नों का सलूशन करेंगे, परंतु पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कल जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।